अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बरेली के भित्री चौनपुर से विधायक पप्पू भड़तौल की लाडली बेटी की शादी के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। लगातार विधायक पिता की बेटी साक्षी मिश्रा एक के बाद एक वीडियो वायरल कर रही हैं और नए नए खुलासे हो रहे हैं। खबरिया चैनल्स को भी जमकर मसाला मिल रहा है और साक्षी मिश्रा को स्टूडियो में बिठाकर खबरिया चैनल विधायक की नाक में दम कर रहे हैं, जिससे विधायक तो परेशान है ही, साथ में अब सोशल मीडिया पर विधायक के पक्ष में क्रांति आ गई है, जिससे देखिए वो मीडिया की आलोचना कर रहा है और विधायक का समर्थन कर रहा है। मामले में विधायक पहले ही बेटी को किसी से ना खतरा होने की बात कह चुके हैं, साथ ही ये भी कह चुके हैं कि बेटी स्वतंत्र है, वो चाहे जैसे फैसला ले सकती है। इसके बाद अब सोशल मीडिया पर लोग विधायक का साथ दे रहे हैं। ऐसे में डिजिटल बाबा के नाम से मशहूर संत स्वामी रामशंकर ने एक इमोशनल वीडियो साझा किया और विधायक का समर्थन करते हुए मीडिया चैनल पर जमकर निशाना साधा है। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि जो बरेली की बिटिया है वो सच में सही है कि गलत है। अंजना ओम कश्यप के स्टूडियो में बैठ करके जब वो बोल रही थी तो उसके उसके एक एक भाव भंगिमा पर मेरी नजर पड़ रही थी। मतलब इतनी निष्ठुर है वो लड़की कि जिसने जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा किया, जब तुम काबिल नहीं थे तो तुम्हें काबिल बनाया, पैर पे चलना सिखाया, और वही लड़की एक बाप को ऐसे पत्रकार मानो पत्रकारिता ना कर रही हो, वो अदालत बना रही हो। मैं सुन रहा था लगातार स्टूडियो के अंदर जो ड्रामा हुआ उसे स्टूडियो को तो लाभ मिल गया, लेकिन उस बाप के बारे में क्या कभी सोचा है किसी ने? मेरे कोई बच्चे नहीं है, लेकिन मैं बार बार उस बाप और उसकी परिस्थिति के बारे में सोच करके एकदम परेशान हो गया हूँ। मामले में विधायक पप्पू भड़तौल ने भी कल कहा था कि जिससे साक्षी ने शादी की है वो किसी और से शादी करने वाला था, जिसकी सगाई भोपाल में हुई थी, जिसके बाद साक्षी के पति अभी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनको लेकर अब सुर्खियां बन रही हैं। वहीं इस बीच विधायक पप्पू भड़तौल मीडिया की हद से ज्यादा मामले में हस्तक्षेप करने से खफा हैं। पप्पू भड़तौल का कहना है कि अगर उन्हें ज्यादा परेशान किया गया तो वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर आत्महत्या कर लेंगे। मीडिया चैनल्स की तरफ से लगातार इस मामले में खबरें दिखाई जा रही हैं और फोन कॉल करके विधायक पिता और पुत्री के बीच सुलह की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन कोशिशों से परेशान विधायक का साफ कहना है कि उसे उसका काम करने दिया जाए। बेटी बालिग है, स्वतंत्र है, वो जहां रहना चाहती है वहां रहे, लेकिन साक्षी मिश्रा अपने पिता से ही जान का खतरा बताकर लगातार मीडिया चैनल्स में इंटरव्यू दे रही हैं और लगातार विधायक इससे परेशान हो रहे हैं। बाकी अब मामले में आगे क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।